लोहे की एक कील यदि गलती से आपके पाँव में लग जाए तो परेशानी बढ़ जाती है, लेकिन लोहे की सैकड़ों कील पर खड़ा ये लड़का बेखौफ होकर करतब दिखा रहा है। इस युवक का नाम प्रिंस है, जो समस्तीपुर के गुटिया ही गांव का रहने वाला है। प्रिंस एक साथ सैकड़ों कील पर बैठ जाता है और आसानी से योगा करता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। इतना ही नहीं, प्रिंस ने अपने इस टैलेंट को दुनिया के सामने दर्ज कराया है। बताया जाता है करीब 53 किलो के नोकीले चक्रासन को पेट पर रखकर योगा करते एशिया रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। चक्रासन मैंने कील के ऊपर किया और उसमें वेट होल्ड किया था 82.5 kg 1 मिनट 10 सेकंड के लिए, और इसी के लिए मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए मैंने अप्लाई किया था और उसी में मेरा नाम दर्ज हुआ। प्रिंस की प्रतिभा काबिले तारीफ है, यही कारण है कि इसे देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। एजाज ढेवर समर्थक सुभाष स्टेडियम पहुंच गए हैं। महापौर एजाज ढेवर संगठन से उत्तर और दक्षिण विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे थे। टिकट नहीं मिलने पर हजारों समर्थकों के साथ रैली निकाली, हजारों की संख्या में समर्थक कांग्रेस भवन की ओर रवाना हुए हैं। तो एजाज ढेवर जिन्हें टिकट नहीं मिला, आपको बता दें मेयर हैं एजाज ढेवर, और टिकट उन्हें नहीं मिला। उन्होंने दरअसल दो जगह से टिकट मांगे थे, लेकिन किसी भी जगह से उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ, और इसी को लेकर जो उनके समर्थक हैं उनमें नाराजगी है। और जो सभी समर्थक हैं एजाज ढेवर के, वो सुभाष स्टेडियम पहुँच गए हैं। महापौर एजाज ढेवर संगठन से उत्तर और दक्षिण विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे थे। महापौर एजाज ढेबर के समर्थक देखिए हजारों की संख्या में सड़कों पर आ गए हैं, और क्या है उनकी मांगे और क्यों इस तरह की रैली है वो निकाली जा रही है, हम उन्हीं से सीधा बात कर देंगे। आइए, बड़ी संख्या में लोग आए हैं एजाज ढेबर के समर्थन में, क्या मांगे आप लोगों की? हमको सिर्फ एक ही मांगे, एजाज भाई को दिया जाए टिकट, जिसने शहर रायपुर शहर का कायाकल्प कर दिया, नक्शा बदल दिया पूरे चीजों का। हम कहीं रैंकिंग में नहीं आ जाए, उसने रैंकिंग में ला के दिया हमको, उसको उसकी मेहनत का फल दिया जाए, जनता के साथ न्याय किया जाए, उसको टिकट दी जाए, हमारी सिर्फ एक ही मांग है। ये बताएं अभी कहाँ तक जाएंगे? काली मंदिर में भी आप लोग दुआ मांगे? मंदिर में हम दुआएं प्रार्थना करने जा रहे हैं उनसे, भगवान से प्रार्थना, भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है, उनकी टिकट उन्हीं के हाथ में है। देखिए बड़ी संख्या में समर्थक है, वो मौजूद है, हम बात करेंगे, बताएंगे कि आप लोग एजाज के समर्थन में आए। हाँ जी, हम लोग एजाज भैया के समर्थन पे आए क्योंकि वो एक जन नायक है वो, और हम चाहते हैं कि उनके पास ना तो टिकट मिले उनको, क्योंकि उन्होंने काफी जनता के लिए काम किया हुआ है उन्होंने। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या उत्तर से टिकट मिले? हमारे एजाज भैया को टिकट मिले, वो भी एकदम इज्जत के साथ मिले जी। अभी मंदिर में जाएंगे, दुआ भी करेंगे जी। हाँ बिल्कुल, दुआ करेंगे उनके लिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद है, और ये अभी मंदिर जाएंगे और वहाँ मत्था टेकेंगे, और उसके बाद ये दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से कि उन्हें टिकट मिल जाए। और उत्तर से चूंकि अन्य विधानसभाओं की टिकट है वो दे दी गई है, अब उत्तर विधानसभा ही बचा है जिससे ये टिकट की मांग कर रहे हैं, और उनके समर्थन में हजारों समर्थक हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। साथ ही बुलेटिन में इतना ही, खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।